आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह पहले एक अपील देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें कृपया तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जीरो डबल वन टू थ्री नाइन सेवन 8046 और 1075 पर संपर्क करें सबसे पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान सम्मान निधि की दसवीं किश्त जारी करेंगे मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता प्रदेश में तीन जनवरी से लगाया जाएगा किशोरों को कोरोना का टीका प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंड का दौर जारी कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना और भारत ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मान निधि की दसवीं किश्त जारी करेंगे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बीस हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी प्रधानमंत्री लगभग तीन किसान उत्पादक संगठनों के लिए चौदह करोड़ रूपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी करेंगे इससे एक से, से अधिक किसान लाभान्वित होंगे इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष छह हजार रूपये का वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया जाता है है। ये राशि दो दो हजार रूपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है किसानों को अब तक एक लाख साठ हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि अंतरित की जा चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में सत्रह हजार पांच सौ करोड़ रूपये की तेईस परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया ये परियोजनाएं सिंचाई सड़क आवास स्वास्थ्य ढांचा उद्योग स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं प्रधानमंत्री ने काशी में अरोमा पार्क और सितारगंज में औद्योगिक पार्क का भी शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी में सुधार लाने के विजन के अनुरूप आठ करोड़ रूपये की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते केस और बच्चों के वैक्सीनेशन पर आज भोपाल में एक बैठक का आयोजन किया बैठक में सभी मंत्री कलेक्टर एसपी कमिश्नर आईजी प्रभारी अधिकारी और संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी वर्चुअली जुड़े बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां केस अधिक बढ़ रहे हैं वहां फीवर क्लीनिक एक्टिव कर दें जिससे टेस्टिंग करने में आसानी हो पाए सभी व्यवस्थाओं को रिव्यू कर लिया जाए उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए श्री चौहान ने इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहने के कहा है क्योंकि तो लोगों की आवाजाही वहां ज्यादा है मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण को लेकर कहा है कि टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित करें इसके लिए प्रदेश में तीन तारीख से पन्द्रह से अट्ठारह साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का कल हमने पूछा था फड़की स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है सही उत्तर है धार सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं झारखंड जिला पलामू के ग्राम सहदेवा से मोहम्मद तबरी मोहम्मद तबरी अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया मेरा नाम मोहम्मद अब्रे अंसारी है मैं ग्राम शाहदेवा थाना पटन जिला पलामू झारखंड के रहने वाला हूँ मैं आकाशवाणी का भोपाल का, का नियमित श्रोता हूँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मुझे आकाशवाणी भोपाल की तरफ से मुझे विजेता घोषित किया गया है मैं आकाशवाणी भोपाल का शुक्रिया अदा करता हूँ और देश के आज़ादी की लड़ाई में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ और समस्त देशवासियों को आज़ादी का अमृत महोत्सव का हार्दिक बधाई हूँ कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं, दो गज़ दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मुंह साफ रखें ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है कुल पात्र नागरिकों में पांच करोड़ को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में सफलता हासिल हुई है अब तक दस करोड़ बीस लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है इसमें पांच करोड़ बीस लाख से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और पांच करोड़ पन्द्रह हजार से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है पिछले 24 घंटों के दौरान शीत लहर का प्रकोप के साथ शहडोल जबलपुर रीवा और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान रायसेन धार ग्वालियर और गुना में सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान रायसेन धार सिवनी ग्वालियर दतिया शिवपुरी छतरपुर और सागर जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है साथ ही ग्वालियर छतरपुर दतिया जिलों में पाला पड़ने की आशंका है राजधानी भोपाल में आज सुबह कोहरा छाया रहा जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा दोपहर में भी ठंड का असर बना रहा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट मैच भारत ने 113 रन से जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रनों का लक्ष्य रखा गया था इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम एक रन पर ही सिमट गई भारत की ओर से मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने तीन तीन विकेट लिए वहीं पहली पारी में शतक जमाने वाले उपकप्तान के राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में एक शून्य की बढ़त बना ली है अब कुछ समाचार संक्षेप में होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की गई है इसमें पैदल ट्रैकिंग और साइकिल ट्रैकिंग का आनंद भी पर्यटक उठा सकेंगे बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत जिले में कुल चौबीस हजार व्यक्तियों को टीकाकृत कर बासठ प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि अर्जित की गई है बड़वानी जिले में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण योजना के अंतर्गत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए विकासखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया गया रायसेन जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअली बैठक में सड़क सुरक्षा के सुझाव दिये गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान सम्मान निधि की दसवीं किश्त जारी करेंगे मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता प्रदेश में तीन जनवरी से लगाया जाएगा किशोरों को कोरोना का टीका प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंड का दौर जारी कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना और भारत ने पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को एक रन से हराया इस बुलेटिन में इतना ही अंत में एक अपील मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना है जरूरी नमस्कार।